करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 3.75 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है। और आप कल्पना कर सकते हैं कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम से भी जोड़ दिया है। ऐसे अनेक इंटरवेंशन ने गांव और शहरों में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथियों, 6-7 पहले तक भारत में बैंकिंग, पेंशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा हुआ करता था। देश का सामान्य नागरिक, गरीब परिवार, किसान, छोटे व्यापारी, कारोबारी, महिलाएं, दलित, वंचित, पिछड़े, इन सबके लिए ये सब सुविधाएं बहुत दूर थी। जिन लोगों पर इन सुविधाओं को गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी उन्होंने भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि बदलाव ना हो, कोई परिवर्तन ना आए,
गरीब तक जाने के रास्तों को बंद करने के लिए जो कुछ भी तर्क दे सकते हैं, भांति भांति के बहाने, यही एक परंपरा हो गई थी। और क्या कुछ कहा नहीं जाता था, खुलेआम बेशर्मी के साथ कहा जाता था, अरे बैंक की ब्रांच नहीं है, स्टाफ नहीं है, इंटरनेट नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है, न जाने कैसे कैसे तर्क दिए जाते थे। अनप्रोडक्टिव सेविंग्स और इनफॉर्मल लैंडिंग, इससे सामान्य नागरिक की स्थिति भी खराब हो रही थी और देश के विकास में उसकी भागीदारी भी न के बराबर थी। पेंशन और बीमा का तो यही माना जाता था कि ये सब समृद्ध परिवारों के भाग्य में ही है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। आज फाइनेंशियल इंक्लूजन ही नहीं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में ईज ऑफ एक्सेस भारत की पहचान बन रही है। आज अलग अलग पेंशन योजनाओं के तहत समाज का हर व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 60 वर्ष की आयु के बाद मिलने वाली पेंशन की सुविधा से जुड़ सकता है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत लगभग 38 करोड़ देशवासी, 38 करोड़ कंट्रीमैन, 2-2 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश के करीब करीब हर गांव में 5 किलोमीटर के दायरे में बैंक ब्रांच या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की सुविधा पहुंच रही है। पूरे देश में आज लगभग 8.5 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स, जो देश के हर नागरिक की बैंकिंग सिस्टम तक पहुंच बढ़ा रहे हैं। जन धन योजना के तहत 42 करोड़ से अधिक जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट खोले गए, जिसमें आज गरीब के हजारों करोड़ रुपए जमा है। मुद्रा योजना से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों में व्यापारियों, कारोबारियों की एक नई पीढ़ी सामने आई है। और स्वनिधि योजना से रेडी ठेला फेरी चलाने वाले भी इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग से जुड़ पाए हैं। साथियों, लास्ट माइल फाइनेंशियल इंक्लूजन से जब डिजिटल एम्पावरमेंट जुड़ गया, तो उसने देश के लोगों को एक नई ताकत दी है। 31 करोड़ से अधिक रुपए कार्ड, करीब 50 लाख पॉस एम पॉस मशीन्स ने आज देश के कोने कोने में डिजिटल ट्रांजैक्शन को संभव बनाया है। यूपीआई ने तो बहुत ही कम समय में डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत को दुनिया का अग्रणी देश बना दिया है। सिर्फ 7 सालों में भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में 19 गुना की छलांग लगाई है, 19 टाइम। आज 24 घंटे, 7ों दिवस और 12 महीने देश में कभी भी कहीं भी हमारा बैंकिंग सिस्टम चालू रहता है। इसका लाभ भी हमने कोरोना के इस काल में देखा है। साथियों, आरबीआई का एक संवेदनशील रेगुलेटर होना और बदलती हुई परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखना देश की एक बहुत बड़ी ताकत है। आजकल आप देख रहे हैं कि फिनटेक जैसे क्षेत्र में हमारे भारतीय स्टार्टअप्स कैसे ग्लोबल चैंपियन बन रहे हैं। इस क्षेत्र में टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है।
हमारे देश के युवाओं ने भारत को इनोवेशंस का ग्लोबल पावर हाउस बना दिया है। ऐसे में ये जरूरी है कि हमारे रेगुलेटिंग सिस्टम्स इन बदलावों के प्रति जागरूक रहें और फाइनेंशियल सिस्टम्स को विश्व स्तरीय बनाएं और उसको बनाए रखने के लिए सूटेबल इकोसिस्टम का निर्माण करें, उसे सशक्त करें। साथियों, हमें देश के नागरिकों की आवश्यकताओं को केंद्र में रखना ही होगा, निवेशकों के भरोसे को निरंतर मजबूत करते रहना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि एक संवेदनशील और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में भारत की नई पहचान को आरबीआई निरंतर सशक्त करता रहा है और मुझे विश्वास है सशक्त करता रहेगा। एक बार फिर इन बड़े रिफॉर्म्स के लिए मैं आप सबको, सभी स्टेक होल्डर्स को, इनिशिएटिव लाने वाले सबको, टेक्नोलॉजी की ये छलांग लगाने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।